बांदा सीनियर डिवीजन एनसीसी कैडेटों की भर्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा के ग्राउंड में संपन्न हुई। पूरा मामला बांदा शहर के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय ग्राउंड में आज 60 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन फतेहपुर के अधीन संचालित आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा में सीनियर डिवीजन एनसीसी इकाई के कैडेटों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ओपी शर्मा द्वारा गठित भर्ती बोर्ड में मेजर मिथिलेश कुमार पांडे कंपनी कमांडर सेना के सूबेदार राज बहादुर गुरुंग हवलदार दिनेश सिंह हवलदार प्रमेंद्र कुमार हवलदार धर्मेंद्र कुमार हवलदार वैश्य बहादुर गुरुंग द्वारा भारती के प्रथम चरण में लंबाई की नाप दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसमें दौड़ आदि तथा मेडिकल कराया गया। इन सभी परीक्षणों में पास छात्रों की लिखित परीक्षा कराई गई। सभी परीक्षाओं के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों का नामांकन एनसीसी में होगा जिसमें यह 2 वर्ष सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात भी प्रमाण पत्र की परीक्षा के लिए पात्र होंगे। एनसीसी भर्ती के लिए 196 छात्रों ने आवेदन किया था जिसमें 160 छात्र भर्ती हेतु उपस्थित हुए जिसमें 123 छात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए। चीफ ऑफिसर मंगल प्रसाद तथा सीनियर एनसीसी कैडेट रमन सिंह भीम यादव इसरार खान दीपक कुमार नरेंद्र राज सिंह विकास निषाद राजवीर यादव पंकज कुमार का सक्रिय सहयोग भर्ती के दौरान रहा। शैलेंद्र त्रिपाठी चित्रकूट धाम बांदा मंडल प्रभारी की रिपोर्ट। साल के लिए जो एनसीसी का कोर्स होता है सीनियर डिवीजन की आज भर्ती हो रही है आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज के जो कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ये आज जो इनका एनरोलमेंट होगा 2 साल ट्रेनिंग करेंगे, 1 कैंप करेंगे, इसके बाद ये बी प्रमाण पत्र की परीक्षा देंगे। अगर ये बी प्रमाण पत्र की परीक्षा पास हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको 10 नंबर का वेटेज मिलता है। अच्छा, तो आज तक कितने बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं? आज यहाँ पर हमारे पास 195 छात्रों ने आवेदन दिया था जी, जिसमें 126 छात्र प्रतिभा कर रहे हैं और हमें 98 छात्र भर्ती करना है। सर कौन कौन से अधिकारी आए हैं बाहर से? इसमें सूबेदार राज बहादुर गुरुंग साहब हैं और हवलदार दिनेश कुमार और उनके प्रेमेंद्र सिंह और 2 NCO और आए हुए हैं बटालियन से फतेहपुर। सर क्या नाम है आपका? चीफ ऑफिसर मंगल प्रसाद। नीरज जी, आप एनसीसी कैडेट में प्रतिभा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? इसमें हम एनसीसी में इस कारण हम कर रहे हैं कि ताकि हमको इसमें एकता और अनुशासन के बारे में बताया जाएगा और इसमें हमको आगे चलकर फौज की भर्ती प्रक्रिया पर 15 अंक की छूट मिलेगी। आगे की क्या क्या रणनीति है आपके जीवन में, क्या क्या आगे बढ़ना है? आगे तो हमने सोच रखा है कि हम इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करेंगे और अपने देश की सेवा में अपनी पूरी लाइफ आज स्पेंड करेंगे। आज ट्रेनिंग में आप आए हैं, भर्ती में आए हैं, क्या क्या बताया गया, किस प्रकार से आप ट्रेनिंग दी है? हमारा पहले हाइट हमारी पहले नापी गई है, फिर उसके बाद हमको हमारा मेडिकल हुआ है, फिर उसके बाद हमको AMI रेस हुई है जो, और जो लड़का 3 मिनट के अंदर आ गया है तो उसकी एक्सीलेंट रेस है और जो 10 सेकंड में आया है तो उसकी गुड है। मतलब उम्मीद हो जाएगा आपका?